हेलो फ्रेंड्स, रैनस क्रिएटिविटी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है काजू कतली, लग रही है कि इन्हें किसी ने घर पे बनाया। कितनी टेस्टी और इस फिनिशिंग आई हुई है इनको, और ये बहुत इजीली बन जाती है, बहुत क्विक रेसिपी है, नॉन फायर। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और बनाते हैं काजू कतली। इसके लिए हमने ले लिए हैं काजू, इनको हम पीस लेंगे। कितना लेना है ये मैं आपको बताती हूँ, पहले इसका पाउडर कर लेते हैं। और इसे कैसे पीसना है ये भी बताती हूँ, इसे हमें पल्स मोड पर पीसना है, नहीं तो ये ऑयल छोड़ देगा। तो इसे धीरे धीरे हमें पल्स मोड पे क्लिक कर करके चलाना है, इसका बारीक पाउडर बना लेना है। और इसको आप छलनी से ज़रूर छान लीजिएगा, मैंने छलना मिस कर दिया था तो थोड़े से बारीक बारीक क्रिस्टल रह गए हैं, आप छान लेंगे तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो इसके लिए हमने ये एक कप आधा कप पाउडर लेना है, मेजरिंग कप होते हैं ना उनसे, एक कप हमें लेना है मिल्क पाउडर और आधा कप लेना है हमें काजू पाउडर और आधा ही कप लेनी है हमें आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर कैसे बनाते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डालूंगी, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। या वैसे कुछ नहीं है, आप एक कप चीज शुगर लीजिएगा और छोटा ये आधा कप एक चम्मच वो ले लीजिएगा कॉर्नफ्लावर, उसको डाल के पीस लीजिएगा, आपकी आइसिंग शुगर तैयार हो जाएगी सिंपली। और हम इसमें लेंगे इन तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद दूध लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे, इसका सॉफ्ट डो बनाना है, ज़्यादा मत डालिएगा एकदम से, क्योंकि मेरा भी बहुत कम दूध लगा है, बहुत कम दूध में ही डो सॉफ्ट बन के तैयार हो गया है। इसको हमें सॉफ्ट डो बना लेना है बिल्कुल चिकना करके, बिल्कुल बढ़िया से। और ये बटर पेपर ले लिया है मैंने, टेप लगा के रख लिया है इस पर, इस पर घी लगा के हम इस पर बेलने की कोशिश, सॉफ्ट करेंगे इसको चिकना और बेलने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मेरा पेपर बहुत हल्का है, बहुत हल्का है, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है ये, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। इस पर बेलेंगे हमें, बेलना है इसका एक पत, जितनी थिकनेस आपको चाहिए उतना थिकनेस में बेलना है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है बेलने में। देखिए फ्रेंड्स, मैंने घी लगा के दोबारा बेलने की कोशिश की है, आप इस पर देसी घी लगा के ही बेलिएगा, लेकिन ये दिक्कत कर रहा है। तो मैं अब ले लेती हूँ क्लिंग फाइल, अब क्लिंग फाइल में लगा के मैं बेलूँगी। इसमें बहुत ईजिली बेला था मेरा, बहुत ईजिली बन गया था। और जितनी थिकनेस आपको रखनी है ना थिकनेस रख सकते हैं। बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगती है ये डिश, बहुत क्विक बन गई है, जब टाइम कम हो तो आप आराम से इसे बना सकते हैं, बहुत इजीली बन जाएगा ये। देखिए मैंने जितनी थिकनेस रखनी थी उतनी रख दी है। अब इस पर हम इस लगाएंगे चांदी का बर्फ, अब वीडियो पूरे में हम बर्फ लगा लेंगे चांदी की अच्छे से, इससे सुंदरता भी बढ़ जाएगी। और अगर आपको असली मिले ना तो ही लगाइएगा, नकली मत लगाइएगा, वो हार्मफुल होता है, ओरिजिनल वाला ही लगाइएगा। अब इसे हम स्केल रख के कट कर लेंगे, अच्छे से मार्किंग हो जाती है हमारी, बिल्कुल एक ही साइज़ में कटेंगे। तो स्केल लगा के आप भी कट कर लीजिएगा,